मेरा नाम सुशील कुमार जैन, मैं दिल्ली 13पंथ सभा का परामर्शक भी हूँ, पहले उपाध्यक्ष भी रहा हुआ हूँ। मैं सूरत गुरुदेव के पारने का देखने आया हूँ और ये जो पारना हुआ है सूरत के अंदर ऐतिहासिक हुआ है, इससे ज्यादा हमारे 13पंथ धर्म में कभी पारने एक साथ नहीं हुए है, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी आपने पूछा था कि आदिनाथ भगवान का जो ये पारना हुआ है, एक्चुअली में जब से आदिनाथ भगवान ने चैत कृष्ण अष्टमी को क्या कहा करें दीक्षा ली थी, उस दिन से लेके 12 महीने 41 दिन तक उन्हें कोई आहार जल नहीं मिला था। हस्तापुर में जाते हुए भगवान महावीर आदिनाथ भगवान को श्रेयांश उनके जो पड़पोते थे उनके द्वारा ये व्रत खुलवाया गया था, तो उस दिन ये अक्षय हुआ था, मतलब इसका कोई क्षय ना होने वाला, तो उसके उपलक्ष में ये जैन परंपरा में तभी से बहुत अरबों साल पुराना हो सकता है, क्योंकि आदिनाथ भगवान बहुत सबसे पहले आदि थे, जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी उस समय के आदिनाथ भगवान का ये पर्व जैनियों में चलता आ रहा है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, हमारे दिल्ली समाज को बहुत आशा थी सूरत में होएगा, मैंने बहुत आदमियों को कहा, हमारे संजय सुराना जी है अध्यक्ष और मेरे बहुत परिचित है और मेरे परिवार के ही है, इन्होंने जो इंतजाम खाई है पूरे हिंदुस्तान में, मैं हमेशा हर जगह अक्षय तृतीया पे जाता हूँ, ये मिसाल हमेशा हमेशा याद रहेगी। ऐसा पंडाल, ऐसा प्रोग्राम, ऐसी व्यवस्था न थी भूतों न भविष्य, मैं ये कहता हूँ मिसाल है, बिल्कुल मिसाल है। इस मिसाल को अभी तक तो किसी ने तोड़ा नहीं, आगे का पता नहीं। लेकिन नाना लाल राठौड़, अक्षय तृतीया प्रवास व्यवस्था समिति महामंत्री, गुरु जी के बारे में क्या कहना है? गुरु जी के बारे में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। भगवान का दर्शन करने में माध्यम गुरु जी बनते हैं और गुरु जी गुरु ही सर्व ज्ञाता हैं। गुरु जी के द्वारा अपने को भगवान के दर्शन हो सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। आज सूरत की धरा पर जो ऐसा ऐतिहासिक प्रसंग आध्यात्मिक नगरी बन गई है, सूरत पूरे भारतवर्ष में सूरत की एक अलग पहचान है, अब अध्यात्म नगरी के रूप में भी सूरत की अलग पहचान है। वर्षी तक के बारे में और अक्षय तृतीया व्यवस्था समिति के आपको बोलना है, किस हिसाब से तैयारी की है और आज अक्षय तृतीया नाम क्यों रखा? वर्षी तप एक ऐसा तप है जो जैनों में सर्वाधिक अच्छा तप है माना जाता है, क्योंकि वर्षी तप करते हैं तो उसमें उद्देश्य कुछ नहीं होता है, दूसरे कोई भी तप करते हैं तो उसकी मन भावना होती है कि मेरे को ये मेरा मन भावना हो जावे, ये मेरा काम हो जावे तो मैं ये करूंगा। वर्षी तप करने वालों को कुछ नहीं है, खाली वो आध्यात्मिक अपनी वर्षी तप करते हैं, न कि उनको कोई डिमांड है, इसलिए वर्षी तप जैनों में सबसे उत्तम तप माना गया है। और भगवान ऋषभ 13 महीने तक घूमते रहे, लोगों ने उनको सोने चांदी डायमंड सब बेराए पर किसी को खाने का नहीं बेराया। जब श्रेयांश के हाथों उनके घर पे 108 घड़े इक्षु का रस आया हुआ था और भगवान ऋषभ वहां पधारे तो 108 घड़ों रस से उनका पालना हुआ, इसलिए वहां से ये वर्षी तप बहुत पुरानी परंपरा है और उसको अब वो 13 महीने का कंटिन्यू तप था और अब इसको इस प्रकार लेते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन 13 महीना तक जो एक दिन निरंतर उपवास रहता है और 12 घंटा खाली खाते हैं, 36 घंटे का उपवास रहता है, तो उसको इस तरह ऋषभ भगवान की परंपरा को लोग निभाते हैं, आज भी तप करके भगवान ऋषभ को याद करते हैं इस प्रसंग पर, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया महोत्सव रखा गया है। ये ऋषभ भगवान से बहुत जुड़ी हुई परंपरा है। यहाँ पर 14 दिन का प्रवास करवाया, 21 तारीख से लेके 21 अप्रैल से लेके 4 मई तक, तो ये 14 दिन का प्रवास, क्योंकि यहाँ पर हमारे संभवतः पूरे देश में 13पंथ के परिवार यहाँ सबसे ज्यादा है और हमें आशा भी थी कि यहाँ पर लोग आएंगे, लेकिन हर काम यहाँ पर हमारी आशा से सवाया हुआ है, तो हमें जितनी उम्मीद थी उससे भी लोग यहाँ ज्यादा उपस्थित हुए हैं। हमने सबके आने के लिए 2 महीने पहले से ही यहाँ पंडाल वगैरह की तैयारी कर दी थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर सामायिक कराने के लिए भी कच्ची जमीन पर नहीं कर सकते हैं, तो नीचे कोटा लगाना हो या कुछ भी करना हो, रूमों की व्यवस्था करना हो या यहाँ पर चिकित्सा की व्यवस्था हमने रखी है, फायर ब्रिगेड का रखा है, यहाँ पर तपस्वियों के लिए 5 पंडाल बने हैं अलग अलग जगह पर, और यहाँ पर भोजन की जो व्यवस्था रखी गई है, यहाँ पर आज मैं संभवतः समझता हूँ कि 30 से 35 हजार से ज्यादा लोग
भोजन करके जाएंगे और 30 से 35 हजार को आतिथ्य देना कोई साधारण बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये संभव करके दिखाया है, उनको मैं वंदन अभिनंदन करता हूँ कि उनको उनसे प्रेरणा भी लेते हैं हम सब कि किस तरह से पूरे अलग हमारे देश के पूरे समाज के जो लोग जुड़े हैं वो भी उनसे प्रेरणा ले रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने संभव करके दिखाया। ये असंभव कार्य था लेकिन गुरुदेव की कृपा से सब संभव हो सका है। मैं नाम दीक्षा संजय सिंह भी है। बेटा कहाँ पे रहने का, कितनी साल की आपकी उम्र है? मैं सूरत से हूँ, हमारा गांव नांदेड़ में, और मेरी उम्र 20 साल है। पूरे साल में जो अभी वर्षी का पूरा पाना करने आप जा रहे हो तो क्या संदेश दोगे? मैं सबको यही संदेश दूंगी कि सबको अपने आप के लिए, अपनी आत्मा के लिए तपस्या करनी चाहिए, इससे कर्मों का भी नाश होता है और गुरुदेव की कृपा से सब कुछ सफल हो जाता है। अगर आपसे नहीं होती तपस्या तो कोई बात नहीं, पर अपनी आत्मा के लिए तप नहीं हो तो जप करना चाहिए, सामायिक करो, स्वाध्याय करो, गुरु चरण में जाओ। अभी ऐसा लगेगा पूरे साल में आज टूट जाने वाला है, ऐसा कुछ भी चीज करो तो परीक्षा और वो तो देनी ही पड़ती है, बीच में आते कष्ट पर गुरुदेव की कृपा बरसती है तो सब कुछ सफल मंगल हो जाता है। बेटा तो आपका नाम? मेरा नाम हितांशी संजय सिंह भी है। कितनी साल की हो? मैं 13 साल की हूँ। कहाँ रहती हो? मैं सूरत से हूँ, नांदेड़ में। अच्छा बेटा, वर्षी तप के क्या माहौल, अभी पाना करने जा रही हो तो क्या बोलोगे? तो वर्षी तप एक 13 महीने की तपस्या होती है, उसमें लगभग 200 उपवास आते हैं और उसमें बीच में बेले भी होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन आपको खाना होता है, रात्रि सोगन आते हैं, बहुत ही अच्छा महसूस होता है इसको करने से। कभी कोई कष्ट हुआ था? कष्ट तो आए हैं पर गुरुदेव का नाम लेके सारे कष्ट पार हो गए और हम अभी आज पारणा कर रहे हैं पूरी तपस्या पूरी होकर। आप लोग भी तपस्या करो, गुरुदेव का नाम लो और अच्छे से तपस्या मंगलपूर्ण हो जाएगी। आवाज अवनवा वीडियोस माटे अब तक नी चैनल ने सब्सक्राइब, लाइक अने शेयर करता ना भूलशो। आज रीते जोड़ेला रहो अब तक साथे।